हमारे एसएलसी के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी और भाई एच एन बासा जी, आदरणीय विष्णु साहब और हमारे स्टाफ के अन्य स्टाफ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए और समस्त स्टाफ के लिए बड़े गौरवमय क्षण है। सभी बच्चों में और पूरे स्टाफ में सब में उत्साह आज देखते ही बनता है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का विद्यालय में विद्यालय परिवार हमारे बिल्डिंग फंड कमेटी और हमारे सदैव संग संग रहने वाले श्री एच एन भारद्वाज जी, डीपी धर्मेंद्र जी और समस्त अन्य स्टाफ जो यहाँ पर टूर्नामेंट्स के सिलसिले में आया हुआ है और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी स्टाफ सदस्यों का, सभी बच्चों का इस वार्म वेलकम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय साथियों और प्यारे बच्चों, अपने ही घर में, अपने ही विद्यालय में इस तरह का सम्मान पाना, इस तरह का स्वागत पाना मेरे लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी बढ़ करके है। शायद मैंने कभी अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया कि मैं पुरस्कार पाऊं। इस तरह का स्वागत अपना करने की कोई व्यवस्था करवाऊं, ये पुरस्कार मुझे नहीं मिला, ये पुरस्कार पूरे मेरे स्टाफ और मेरे स्टूडेंट्स को मिला है। इसमें अगर कुछ भी मेरिट रही है, कुछ भी ऐसा काम मेरे हाथों हुआ है जिसको पहचान मिली है या जिसके लिए पुरस्कार देना विभाग ने, सरकार ने आवश्यक समझा, तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है और आप ही की बदौलत आज ये सम्मान
मुझे मिला है, इस विद्यालय को मिला है, इस क्षेत्र को मिला है, फिर से मैं इस पूरे सहयोग के लिए, इस पूरी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर कि आप, जैसा कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि कर्मण्येवाधि का रस्ते मां फलेषु कदाचन, आप अपना कर्म करते चलो, फल को सामने रख करके ना चलें, फल सदैव कभी ना कभी अवश्य ही मिलता है, देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। इस मूल मंत्र को लेकर मैं भी चला हूं और मेरा आप सबसे भी यही, इसी मंत्र पर चलने का मैं आपसे सलाह भी देता हूं और आग्रह भी करता हूं। इस स्वागत से मैं अभिभूत हुआ हूं और इससे अधिक मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।